दोस्तों, ये मॉड्यूल गियर है और मॉड्यूल गियर है तो इसका सारे साइज जो है, जितने भी साइज है वो मिलीमीटर में आएंगे। और इसके अंदर 10 से 30 टिप का अपलोड कर लिया है और सभी जो भी गियर आएंगे मॉड्यूल के वो एक ही मॉड्यूल के रहेंगे। अब स्केल कैसे निकालना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले ये दिखा दूँ कि मिलीमीटर में ही है, ये जो है मिलीमीटर में है। तो इसका जो मॉड्यूल है वही इसका स्केल है, यानी 1.25 मॉड्यूल है तो 1.25 का स्केल करना है आपको गियर का। और आपको अगर 3.75 का मॉड्यूल का गियर चाहिए तो 3.75 स्केल करने का है, यानी मॉड्यूल इसका स्केल है। ये मॉड्यूल में ऐसा ही है, मॉड्यूल ही स्केल है, लेकिन डीपी में अलग है। डीपी में 1 इंच को डीपी से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करोगे जो साइज आएगा वो स्केल है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको चेंज करके दिखाता है, इसको 4 मॉड्यूल का करके दिखा देता हूँ। स्केल चेंज कर रहा हूँ इसका, पूरे को सेलेक्ट करो, पूरे जॉब को, कहीं लिखा हुआ अंदर मत लेना उसमें। और 4, इसको हमने 4 मॉड्यूल कर दिया, अभी ये गियर 4 मॉड्यूल का हो गया, पहले 1 मॉड्यूल का था, अभी ये 4 मॉड्यूल का है। तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ साइज का खुद पता चल जाएगा कहाँ क्या साइज है। ये डायमीटर 112 मिलीमीटर का डायमीटर है, साइज सब मिलीमीटर में रहेंगे। ये पीसीडी ये 104 मिलीमीटर का है, और रूट डाया है, और इसका एडेंडम निकालेंगे। जो एडेंडम है वही आपका मॉड्यूल है, जो भी एडेंडम आया समझ लेना आपका मॉड्यूल आ गया। तो बस इतना करो, गियर बन गया, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। कैलकुलेशन में गलती हो सकता है लेकिन इसमें गलती नहीं है। तो ये तो बता दिया, आप 10 से 30 का टिथ का एक मॉड्यूल का अपलोड कर दिया हुआ है, आप चाहो तो डाउनलोड कर लो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल जो है वो ज़रूर दबाओ ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।